दूर निगाहों से बार बार जाया न करो, दिल को इस कदर तड़पाया न करो। तुम बिन एक पल भी जी नहीं सकेंगे हम, ये एहसास बार बार दिलाया न करो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। आज हम बात करने वाले हैं प्यार की, इश्क की। इश्क एक ऐसी बला है जो अपने आप में सबसे बड़ी सजा भी है और दवा भी। जब किसी से प्यार होता है तो रूह से लेकर हमारे शरीर का हर एक अंग उसके रंग में रंग जाता है। वो कहते हैं ना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। कुछ इस तरह की ही मोहब्बत थी दीपिका पादुकोण की और रणबीर कपूर की। लेकिन अभिनेत्री का इश्क ने कुछ ऐसा जख्म दिया जिसने उनके दिलो जान को बर्बाद करके रख दिया। खुद को खो बैठी दीपिका पादुकोण जब अपनी जिंदगी में सबसे हारा हुआ महसूस कर रही थी, तब भगवान ने उनके जीवन में एक ऐसे शख्स को भेजा जिसने आज वो पूरी दुनिया के सामने अपना कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे पसंदीदा दीपवीर के इश्क वाले लव की कहानी, और उसी कहानी से आज हम कहेंगे रूबरू। जाने के लिए देखें ये बेहतरीन सी लव स्टोरी हमारे इस वीडियो में। अपने होशो हवास में रहते हुए हम जब पहली मोहब्बत करते हैं तो अपना सारा होश खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। बॉलीवुड में अपना पहला कदम बढ़ाते ही इत्तेफाक से दीपिका की मुलाकात रणबीर कपूर से हुई और दोनों की यारी बढ़ने लगी। दोनों की वो स्पेशल वाली यारी इस कदर गहरी होती गई कि दीपिका रणबीर के इश्क में डूब गई। हालांकि दीपिका की मोहब्बत सच्ची होने के बावजूद रणबीर कपूर ने उन्हें धोखा दिया और दोनों की राहें जुदा हो गई। प्यार में धोखा खा बैठी दीपिका अपनी सुध बुध खो बैठी। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और वो आगे बढ़ी। इश्क में मिली हार के बाद दीपिका पादुकोण बहुत सतर्क रहने लगी। वो जल्दी किसी पर विश्वास करना भूल चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में साल 2012 में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने उनके जीवन में फिर से बहार ला दी। ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह थे। रणवीर ने दीपिका को साल 2012 में एक अवार्ड फंक्शन में देखा। अभिनेता उनकी मुस्कान पर पहली बार ही मोहित हो गए। दूर से देखने के बाद रणवीर को पास से दीपिका का दीदार करने का मौका संजय लीला बंसाली के बदौलत मिला। दोनों की पहली मुलाकात निर्देशक के घर पर फिल्म गोलियों की रास लीला रामलीला की वजह से हुई। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए। इस लंच को रणवीर दीपिका की पहली डेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे में खो गए थे। दरअसल लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था जिसे रणवीर ने देखा और अभिनेत्री को इशारों में हटाने के लिए कहा, लेकिन दीपिका के दिल का टेलीफोन बज चुका था और उन्होंने रणवीर को ही उसे निकालने के लिए कह डाला। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना और यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को बेबी भी बुलाने लगे थे। रामलीला के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को एहसास दिला दिया था कि दीपिका को उनके राम मिल गए हैं। दरअसल एक गाने को शूट करने के दौरान दोनों को किस करना था और निर्देशक के कट बोलने के बाद भी ये दोनों नहीं रुके थे। ये सीन देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन रणवीर और दीपिका एक दूसरे के में कुछ इस कदर खोए थे कि उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों को एक साथ कई बार छुट्टियां मनाते हुए स्पॉट किया गया। यहां तक कि हाल ही में खुलासा हुआ कि साल 2018 में शादी करने के 3 साल पहले ही दोनों ने सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली। वजह थी कि रणवीर किसी भी हालत में अपनी दीपिका को खोना नहीं चाहते थे। दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 14 नवंबर 2018 को शादी रचाई। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण साल 2013 में संजय लीला बंसाली की रामलीला में पहली बार साथ नजर आए। दोनों ने 14 नवंबर यानी कि साल 2018 को इटली में शादी की और दोनों ने इटली के लेक कोमो स्थित 700 साल पुराने विला डाल बालबेलियनों में कोकड़ी और फिर सीधी सिंधी रीति रिवाज से दोनों ने शादी की।
दीपिका और रणवीर फिल्म रामलीला के बाद ही एक दूसरे के करीब आए, लेकिन सच तो ये है कि दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म की शूटिंग से पहले ही हो गई थी। तो चलिए आज जानते हैं कि शादी को 4 साल पूरा होने के बाद दोनों की लव स्टोरी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। दरअसल दोनों की लव स्टोरी तभी शुरू हो गई जब संजय लीला बंसाली अपनी फिल्म में दोनों को कास्टिंग को लेकर बातें कर रहे थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के लिए संजय लीला बंसाली के घर पर मिलना करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो एक दिन दोनों संजय लीला बंसाली के घर पर लंच करने पहुंचे। लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था, तभी रणवीर ने उनसे कहा कि दीपिका आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है। इसके बाद दीपिका रणवीर से बड़े ही प्यार से कहा, निकाल दो। बस यहीं से दोनों के दिल मिल गए। कहते हैं कि जब दिल मिलता है तो प्यार भी आसमान छूता है। एक इंटरव्यू में फिल्म के क्रू मेंबर ने बताया था कि 2012 में संजय लीला बंसाली की फिल्म गोलियों की रामलीला रासलीला भी शूट हो रही थी और उसी दौरान वहां पे 50 लोग मौजूद थे और ये सब लोग देख के काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को आज कौन नहीं जानता है। अपनी क्यूट से स्माइल और दमदार एक्टिंग के लिए दीपिका हमेशा ही फैंस के दिलों पर छाई रहती हैं। लेकिन बॉलीवुड में बैक टू बैक कई हिट फिल्में करने के बाद दीपिका ने कई वेब सीरीज़ में भी काम किया है। आज इनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दीपिका के खुशनुमा अंदाज को देखकर हर किसी के मन में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि ये कितनी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं। लेकिन क्या आप इनकी ज़िंदगी का वो दौर जानते हैं जब इन्हें लंबे समय तक डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। दीपिका ने कई मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था कि इस दौरान उनके मन में मरने तक के ख्याल आने लगे थे। ओनली माई हेल्थ के इस लेखक के माध्यम से जाने दीपिका के डिप्रेशन से बाहर आने की वो कहानी। दरअसल दीपिका ने काफ़ी कुछ अपनी इस कहानी में बताया है। दरअसल दीपिका ने प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि 2014 में उन्हें डिप्रेशन हुआ था। इस दौरान उनका किसी से मिलना या बात करने का मन नहीं करता था। वो काम से भी दूर रहने की कोशिश करती थी क्योंकि उनका काम करने का मन नहीं करता था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे पेट में अजीब सी फीलिंग होती थी। जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। जब दीपिका पर हावी हो गया था डिप्रेशन तो दीपिका ने बताया कि इस दौरान उनका खुद पर काबू नहीं था। वो क्या और क्यों करती थी उन्हें खुद समझ नहीं आता था। दीपिका कहती हैं कि मेरे जीने का मन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। जैसे ही शूट ख़त्म होता था तो मैं वैन में जाकर रोने लगती थी। मैं बिना किसी कारण रोने ही लगती थी और मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। इश्क एक ऐसी बला है जो अपने आप में सबसे बड़ी सज़ा है और दवा भी। जब किसी से प्यार होता है तो रूह से लेकर हमारे शरीर का हर एक अंग उसके रंग में रंग जाता है। वो कहते हैं ना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए कि ज़िंदगी की क्या चीज़ है। आपको दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को चाहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइफ। जितना